बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PDB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ्स सर नदीम नंबर लिख के सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसका आपकी उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड अ पॉलीनोमियल हुज फैक्टराइजेशन, ये उसकी फैक्टराइजेशन उसकी की हुई है तो वो पॉलीनोमियल फाइंड करनी है कि ये वैल्यू जिस ये जो फैक्टराइजेशन है ये जो दो वैल्यू हैं ये किस वैल्यू की हैं, इसको वो वाली पॉलीनोमियल हमें फाइंड करनी है बाई यूजिंग एंड अप्रोप्रिएट फार्मूला, एक मुनासिब फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। तो ये कौन सा फार्मूला है, ये भी फार्मूला एक नया ही है, इससे पहले ये फार्मूला कभी आपने यूज़ नहीं किया, तो पहले मैं आपको वो फार्मूला दिखाता हूँ। तो ये फार्मूला बेटा आपकी बुक के ऊपर या उसी के बैक वाले पेज पे, अब देखें जो हमारे पास उन्होंने वैल्यू दी है ना, जो फार्मूला ऊपर वाला है A+B+C, ये तीन है, A B C है दोनों, ये तीनों के दरमियान प्लस है, फिर AB और एक वैल्यू के साथ माइनस है, दो का प्लस है और एक का माइनस है, तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है। अब जो जिन दो वैल्यू के दरमियान प्लस होता है ना वो ऐसे होता है A² + 2AB + B² और जिसके साथ माइनस होता है ना वो -C², वो वाली वैल्यू माइनस के साथ ही इधर आ जाती है, तो ये वाला इसका फार्मूला है। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने इधर लिख लिया है, ये मैंने जैसे फार्मूला बताया ये फार्मूला है, तो पहले हम इसको जरा तरतीब से कर लेते हैं, दूसरी बैठक में सी को एंड पे लिख देते हैं, वाई पहले और सी बाद में। तो अब देखें बेटा फार्मूला से हमने सीखा कि जिन दो वैल्यू के दरमियान में प्लस है, जैसे A+B है इधर भी A+B है, इसका तो मुकम्मल फार्मूला ये बन जाता है, तो इसमें भी ये हमारी X+Y है, ये भी X+Y है, इसका फार्मूला ये बन जाएगा कि क्या बन जाएगा, X² + 2XY + Y², इसका ये बन गया माइनस, और फिर क्या था -C², जो भी वैल्यू यहाँ पर होती है उसका स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर कर देंगे यानी कि 2C, यहाँ पे वैल्यू जो है ये वाली है 2C उसका होल स्क्वेयर, इसका फार्मूला क्लोज कर दें, इसको लिख देंगे X+Y² और ये हो जाएगा 2C² बल्कि इसको क्लोज ना करें, इसको ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्म में हम इसका कर देते हैं, ये एज इट इज लिख के X² + 2XY + Y² तो इसको कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 4C होल स्क्वायर, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, क्योंकि हमने इसकी ना सिंगल वैल्यू बनानी थी, अगर हम इस तरह स्क्वायर बना के दोबारा से इसको सॉल्व करते तो फिर वही वैल्यू आ जानी, तो जो इसके क्वेश्चन में दी हुई थी, तो हमें इसकी एक ही वैल्यू बनानी थी, तो इसको फिर ऐसे ही इसको खोल लिया और इसको ऐसे इसको क्लोज नहीं किया, इसको इसी फॉर्म में ऐसे रहने दिया और इसको स्क्वायर सॉल्व किया तो ये आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द एक्सप्रेशन, ये जो सारी एक्सप्रेशन है इसको लिखना है, राइट द एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन को लिखो, इस वाली को कैसे लिखना है, एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स के डिफरेंस की फॉर्म में इसको हमने लिखना है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हैं ना 1 से लेकर 8 तक, उस फॉर्मेशन वाला या उसी तरीके से सॉल्व होने वाला है, इनको जरा हमने अरेंज करना है, इसको हम बाद में ले जाएंगे माइनस का जो स्क्वेयर होता है, तो बाकियों को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये 4XY को पहले लिख लेंगे +4Y² - Z² ये असल में होता ये है कि जो बुक वालों ने 2AB दरमियान में लिखा होता है, इस वजह से मैंने इसको दरमियान में कर लिया, वरना इसको भी दरमियान में लिख लेते, इसको बाद में लिख लेते फिर भी कोई फर्क नहीं था। अब इसको देखिए फार्मूले की फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, X² ये हो जाएगा 2Y² ये प्लस है +2A और B, ए की जगह पे ये प्लस स्क्वायर के वैल्यू प्लस स्क्वायर के नीचे वाली और बी की जगह पे 200² के नीचे वाली वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करें तो यही आता है 4XY, ये 4XY लिखा हुआ है, माइनस Z को लिख देते हैं, Z
स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्लोज कर लें, फार्मूला क्लोज करेंगे तो जो स्क्वायरों के नीचे वाली वैल्यू होती है ना वो x, ये प्लस 2ab है, तो प्लस 2y यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये देगा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस ये z स्क्वायर। अब देखिए उन्होंने यही कहा था कि इस पॉलीनोमल्स को लिखें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, तो अब ये एक स्क्वायर ये है एक स्क्वायर ये है, ये दोनों का डिफरेंस बीच में आ गया, फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना, बस उन्होंने डिफरेंस की फॉर्म में कहा था, तो ये डिफरेंस की फॉर्म में हो गया, ये इसका आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो फिर है ही है। अल्लाह खैर करे।